ये है रामनगर का किला, और जो कि वाराणसी के रामनगर में स्थित है। वो जो सामने गेट दिख रहा है वो वाराणसी लंका की तरफ से आते हैं, बीएचयू की तरफ से। ये है रामनगर मार्केट का नज़ारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉगिंग आदिशक्ति बनारस दर्शन। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग हैं वाराणसी के रामनगर में स्थित रामनगर किले में। रामनगर किला काशी के राजसी राजवंश की कहानी बयां करता हुआ ये किला, इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। और यह किला मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू पत्थर से बना है। और फ्रेंड्स, इस किले का संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है, और आरंभ से यह काशी नरेश का निवास रहा है। देखिए किले के अंदर का नज़ारा है, कितनी मेहराबदार इसकी नक्काशी की गई है। ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ, इधर पीएससी की ड्यूटी लगी रहती है, पीएससी के जवानों की ड्यूटी लगी रहती है। और ये मेन गेट है, और ये अंदर का पूरा नज़ारा है किले का, ये मेन गेट है। और फ्रेंड्स, इस किले में 9 तोपों का कलेक्शन है, और दोनों तरफ बाहर ये देखिए 2 तोप रखे गए हैं, और 7 तोप किले के अंदर रखे हुए हैं। देखिए ये ऐतिहासिक तोप, और ये एक बार फिर से देख लीजिए बाहर का नज़ारा, किले के बाहर का। और अब ये देखिए अंदर का नज़ारा है। और फ्रेंड्स, इस किले में वेद व्यास मंदिर एवं संग्रहालय और राजा का आवासीय परिसर भी है। किले के दक्षिण में एक दक्षिण पूर्वी दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, और इस किले को ऊंचे ज़मीन पर बनाया गया है जो गंगा के जल स्तर से ऊपर है। और गंगा जी के ठीक किनारे पूर्वी तट पर यह किला बसा हुआ है। इस किले में कई नक्काशीदार बालकनी, खुले आंगन और मंडप मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और किले के कुछ भाग को ही पर्यटकों के लिए खोला गया है, और बाकी का किला काशी नरेश और उनके परिवार वालों का निवास स्थान है। और ये अंदर किले का खूबसूरत सा विशाल ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं। और ये देखिए सामने ये म्यूजियम है, संग्रहालय है, और ये है तोपें जो अंदर रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया। किले के अंदर भाग में महाराज का निवास कक्ष एक तरफ है, और जबकि सभा कक्ष और स्वागत कक्ष मीनार के दूसरी तरफ है। किले के संग्रहालय को सरस्वती भवन के नाम से भी जाना जाता है। किले के दरबार कक्ष और सार्वजनिक सभा कक्ष को वर्तमान में संग्रहालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस संग्रहालय में दुर्लभ अमेरिकी ब्रिटेन कारें, रत्नों से जड़ी पालकियाँ, कम से कम 14 पालकियों का कलेक्शन है, और कुर्सियाँ, हाथी दांत, मध्ययुगीन वेशभूषा, सोने चांदी से हीरे से रत्न जड़ित तलवारें भी हैं। किले के राजसी राजवंश में प्रयुक्त होने वाले सभी उस वस्तुएं संग्रहालय में संग्रहित हैं, और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहालय की शान बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए पूरे किले के अंदर का नज़ारा जो पर्यटकों के लिए खोला गया है। और उस जो सामने दिखाया मैंने आप लोगों को, ये म्यूजियम देखिए जो सामने दिख रहा है, यहाँ टिकट 70 रुपये का अब लग रहा है वर्तमान में। और उसके अंदर अंदर से ही ये जो दीवारें तोप की तरफ दिख रही थी, अंदर से वो जो भवन बने हुए हैं उसका मैंने विवरण शुरू में ही दिया है, उधर से संग्रहालय देखा जा सकता है। और वो सामने जो भवन दिख रहा है उधर से फिर इस कैंपस में वापस आ सकते हैं, और उसके अंदर जो है काशी नरेश का निवास है, तो वहाँ नहीं पर्यटकों के लिए खोला गया है जाने के लिए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, भीतरी भाग में अंदर राजा काशी नरेश का निवास स्थान है, और ये पूरा आप लोग देख लीजिए ग्राउंड का नज़ारा। और फ्रेंड्स, यहाँ रामनगर किले तक आने के लिए बस द्वारा रामनगर किले का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड टेंगरा मोड़ बस स्टैंड है। यहाँ सभी बसें रुकती हैं, यहाँ से आप बस द्वारा या ऑटो वगैरह से आ सकते हैं आसानी से। और रेल द्वारा रामनगर किले का निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ भी आप आने के लिए ऑटो रिक्शा वगैरह बुक कर सकते हैं या कैब बुक कर सकते हैं। और हवाई रूट से वाराणसी का हवाई अड्डा रामनगर किले से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से आप किले तक पहुँचने के लिए कैब वगैरह बुक कर सकते हैं।
रामनगर किला संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है, और हम लोग शाम हो गई थी इसलिए मैं संग्रहालय में नहीं जा पाई। वहाँ के अद्भुत कलेक्शन जो भी हैं राजसी राजवंश की कहानी को कहते हैं वो मैं सब आप लोगों को नहीं दिखा पाई, और क्योंकि शाम हो गई थी और बंद होने का समय था। और नेक्स्ट बार मैं ज़रूर जाऊँगी तो दिखाऊँगी अगर अलाउड किया गया तो। और इस किले का कुछ रोचक तथ्य भी है फ्रेंड्स, इस किले भी एक दुर्लभ घड़ी है जो समय दिन सप्ताह महीने और ग्रहों चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के बारे में खगोलीय विवरण दिखाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।